हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के। टॉपिक क्या है हमारा? सोशलिज्म इन रशिया। अभी तक हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वहाँ की, मतलब मैंने बताया था कि रेवोल्यूशन कहीं पर भी होती है तो उस कंट्री की हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है या वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, राइट? तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी एंड सोसाइटी कैसी थी। तो हमने जब उन दोनों को देखा तो उन दोनों को देखकर हमें ये समझ में आया कि वहाँ की जो सोसाइटी थी या इकोनॉमी थी वो किस उसमें आ रही थी, वो सोशलिज्म के फेवर में आ रही थी। जो उनका कॉन्सेप्ट था या जो वहाँ पे वो लोग रह रहे थे तो वो वहाँ का सोसाइटी और इकोनॉमी जो आ रही थी वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में आ रही थी। अब देखो ये रशिया में सोशलिज्म आया कैसे, राइट? पहली बात तो उसके फेवर में सारी चीजें चल रही हैं, जो सोसाइटी है या इकोनॉमी है वो सब सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पर ही एक तरह से है, ठीक है? तो अब यहाँ पे सोशलिज्म जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अब हमें ये देखना है। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। रशिया में क्या था, 1914 से पहले कोई भी पार्टी नहीं बन सकती थी। जो पार्टी बनेगी तो वो क्या होगी, इलीगल थी। मतलब पार्टियों पे बैन लगा रखा था कि कोई भी पार्टी नहीं बनेगी। और ये बैन किसने लगाया था, ये बैन लगाने वाले थे सार निकोलस सेकंड। भाई मोनार्की थी वहां पे उस टाइम पे, तो मोनार्की में तो राजा है, राजा अपने हिसाब से चलेगा, वो आपके हिसाब से थोड़ा ना चलेगा, ना हमारे हिसाब से चलेगा, वो केवल और केवल अपने मन के हिसाब से चलेगा। तो सार निकोलस सेकंड थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैन लगा रखा था कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनी तो वो क्या, राजा के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं, ठीक है? उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उनके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। इसलिए सार निकोलस सेकंड ने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया था, राइट? अब क्या देखते हैं हम कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड इन 1898। अब हमें वहां दिखाई देता है कि 1898 में, 1914 से पहले की बात चल रही है कि राजा ने, सार ने क्या कर रखा था, पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा रखा था, लेकिन 1898 में हमें वहां पे एक वर्कर्स पार्टी दिखाई दे रही है। कौन सी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हमें वहां पे दिख रही है, जबकि पार्टी पे तो बैन था। लेकिन क्या होता है कि ये इलीगल पार्टी थी, इलीगल पार्टी थी, ये उन्होंने कहा था कि बैन है, अगर जो कोई पार्टी बनाएगा तो वो इलीगल होगी, इलीगल पार्टी है। लेकिन ये क्या कर रही है, ये जो वर्क कर रही है वो सीक्रेटली कर रही है, छुप कर रही है अपना काम, ठीक है? ये काम जो है वो अपना छुप कर रही है। अब क्या होता है, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इट ऑपरेटेड सीक्रेटली एज एन इलीगल। वही कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है कि भाई इसमें तो ऑपरेट हो नहीं सकती है, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है, और अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या है, वो सीक्रेटली इस पे वर्क कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 1898 में हमें ये पार्टी दिखाई दे रही है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब देखिए क्या होता है कि आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीजेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीजेंट्स, मतलब नेचुरल सोशलिस्ट, ठीक है? जो रशियन सोशलिस्ट का उन्होंने बोला कि इस चीज को समझना कि रशियन सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं रशियन पीजेंट्स के बारे में। रशियन सोशलिस्ट का मानना है कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो कौन है, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, राइट? नेचुरल सोशलिस्ट कैसे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये नेचुरल सोशलिस्ट है, ये मतलब जो है वो क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, या ये नेचुरल सोशलिस्ट हैं क्यों, पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इनको हमने रशियन, इनको पीजेंट्स को, रशियन पीजेंट्स को हमने नेचुरल सोशलिस्ट क्यों माना, ये जो आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट थे, ठीक है? इन्होंने रशियन पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट क्यों माना, अब ये देखिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली। मतलब जो इनका क्या था, जो ये थे कौन, नेचुरल सोशलिस्ट रशियन पीजेंट्स जो थे, सॉरी, ठीक है, ये क्या करते थे, ये कहते थे कि चलो ठीक है, लैंड है, हम उनको क्या करेंगे, एक साथ पुल कर लेंगे, ठीक है? और साथ में जो भी आएगा, आउटकम आएगा या जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे।
तो इनका ये कहना था कि जो भी आउटकम आ रहा है या आउटपुट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में। तो जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट से जुड़ते जा रहे हैं, आईएसएम सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़ते जा रहे हैं, नेचुरली जुड़ रहे हैं। ये इनके उसमें है कि मतलब ये इनका कस्टम है कि भाई हमें इस तरह से क्या करना है, अपना काम करना है, कल्टीवेशन करना है, और एक ही साथ हम लैंड में करेंगे और जो भी आउटकम आएगा उसका वो हम आपस में मतलब शेयर कर लेंगे, राइट। तो यही चीज तो सोशलिस्ट चाह रहे थे, सोशलिस्ट का भी तो यही कहना था कि हर चीज क्या हो, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए सोसाइटी में, और वही चीज ये थे रशियन पीजेंट्स के अंदर था, तो इसलिए इनको नेचुरल सोशलिस्ट माना गया। अब देखिए क्या होता है, इनको नेचुरल सोशलिस्ट मान लिया गया इस वजह से, और वो क्या बिलीव करते थे, इट वॉज बिलीव दैट पीजेंट्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, और ये पीजेंट्स ही होंगे जो रेवोल्यूशन को लेकर आएंगे, क्योंकि इनके अंदर में दिख रहा है, नेचुरली दिख रहा है कि ये सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो रेवोल्यूशन लाने के लिए ये क्या है, ये सफिशियंट होंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें एक चीज आ रही है, ठीक है, वो क्या चीज आ रही है, अब आप देखिएगा, अब इन्होंने भी क्या कर दिया, हमने कह दिया कि भाई पीजेंट्स जो है वो रेवोल्यूशन को लेकर आएंगे, अब पीजेंट्स भी जो थे वो थोड़ा सा क्या हो गया, उनका भी मतलब सीना चौड़ा हो गया, वो सोचे कि हाँ भाई हम जो है वही अब हम करता धरता है, रेवोल्यूशन लाने वाले तो हम ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में आया कि चलो अब रेवोल्यूशन लाना हमारा काम है, तो उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, उन्होंने एक पार्टी बनाई 1900 में, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 1900 बाई पीजेंट्स, ये पीजेंट्स ने बनाई पार्टी 1900 में, और 1898 में किसने बनाई थी, वर्कर्स ने बनाई थी, राइट, 1898 में वर्कर्स ने बनाई थी और 1900 में पीजेंट्स ने पार्टी बनाई थी। अब क्या होता है कि जो अब सोशल डेमोक्रेटिक्स है, ठीक है, अब इनमें देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो आ रहा है, सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो क्या है, वो डिसएग्रीड हो जाते हैं इनसे, ठीक है, वो कहते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो ओवर द फैक्ट दैट रशियन पीजेंट्स आर नेचुरली सोशलिस्ट, वो इस चीज से डिसएग्री हो रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटर्स जो है, राइट, ये सोशल डेमोक्रेटर्स हैं और ये क्या है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं ये डिसएग्री हो रहे हैं, किससे डिसएग्री हो रहे हैं, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से डिसएग्री हो रहे हैं, और इनका मानना ये है कि मतलब रशियन जो है पीजेंट्स आर जो है नेचुरली सोशलिस्ट, वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि रशियन पीजेंट्स जो है वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, वो इससे अगेंस्ट में है या इस पर अपना फेवर नहीं देते हैं। सोशल डेमोक्रेट्स में कौन आते हैं, मैंने आपको बताया था कि वहां पर व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है, वो चले गए थे, और वो अभी आगे चलकर और उनके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को लीड किया था, राइट, वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डिसएग्री हो जाते हैं, ठीक है, डिसएग्री हो जाते हैं कि भाई सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो है वो क्या है, रशियन पीजेंट्स जो है वो मतलब नेचुरली सोशलिस्ट नहीं है, इस बात पे ये लोग सहमत नहीं होते हैं। लेनिन क्या फील करते हैं, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, लेनिन फील करते हैं कि ये जो पीजेंट्स हैं, राइट, ये जो पीजेंट्स हैं इनका एक ग्रुप में ये हो ही नहीं सकते हैं कभी, इनका वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या है, अप्स एंड डाउन्स है या डिफरेंस बहुत ज्यादा है इनके बीच में। वो डिफरेंस कैसे है, फर्स्ट है सम वर रिच एंड सम वर पुअर, फर्स्ट तो हमारा ये है कि क्या है, इसमें जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स क्या है, कुछ रईस है बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ के पास क्या है, कुछ के पास पैसे नहीं है, अब ये अंतर हो गया फर्स्ट। फिर सम वर्क एज ए वर्कर्स एंड एम्प्लॉयड वर्कर्स, कुछ क्या है, कुछ वर्क कर रहे हैं एज ए वर्कर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ कैसे कर रहे हैं कि जैसे जो रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने अपने आप एम्प्लॉयड रख रखे हैं वर्कर्स को, उन्होंने अपने आप वर्कर्स को रख रखा है, तो ये क्या है, इनमें क्या यूनिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो द डिफरेंशिएशन विद इन देम डिड नॉट अलाउ पीजेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, तो वो कहते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो अंतर है, ये क्या करता है, पीजेंट्स को सोशलिस्ट मूवमेंट अलाउ करने के लिए मतलब अलाउ नहीं करने दे सकता है, क्यों नहीं करने दे सकता है, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा अंतर है, एक रिच है एक पुअर है, जब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो ये दोनों साथ में तो कभी आ ही नहीं सकते हैं, राइट, और दूसरा क्या है, एक तो एज ए वर्कर काम कर रहा है और एक पीजेंट जो है वो अपने आप वर्कर को एज ए एम्प्लॉय रख रहा है, ठीक है,
तो मान लीजिए ये रिच वर्कर है और इसने इस पुअर वर्कर को अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लिया, तो ये भी एक नहीं होंगे, दोनों की सोच में अंतर हो जाएगा। तो ये क्या है, रेवोल्यूशन लाने के लिए ये ग्रुप जो है पीजेंट्स का, लेनिन का मानना था कि ये क्या होगा, ये यूनाइट नहीं हो सकता। अब हम जो आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो क्या देखेंगे, इन्हीं का देखेंगे कि अब इस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अब बोल्शेविक पार्टी को कौन लीड कर रहा है, लेनिन, एंड मेंशेविक को कौन लीड कर रहा है, वो अब हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।